नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ दिल्ली रोहिणी क्राउन प्लाजा होटल, जहाँ पर कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसका नाम है आरंभ। ये नए साल का जो हिंदुओं के हिसाब से जो नया साल है, हिंदू धर्म के हिसाब से जो नया साल आरंभ होता है, उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि करवा रहे हैं चेतना और उड़ान, दो NGOs हैं जो ये प्रोग्राम करा रहे हैं, और जिसका मंच का संचालन कर रही हैं निधि बंसल जी, जो कि जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैंने एक और वार्तालाप का एक प्रोग्राम भी किया है। और इस प्रोग्राम में अंदर बहुत म्यूज़िकल है, म्यूज़िकल प्रोग्राम है, कुछ कवि भी आ रहे हैं, कवि सम्मेलन भी है, कविता पाठ भी होगा, और बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम है। और आइए चलते हैं अंदर और लोगों से करते हैं बातचीत और देखते हैं आगे का कार्यक्रम। तो अब हमारे साथ हैं निधि बंसल जी, जो कि इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रही हैं। तो आइए उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बहुत। तो निधि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आप मुझसे यहाँ पर बात कर रही हैं। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है दिल्ली क्राउन प्लाजा में, चेतना और उड़ान जो एक NGOs हैं जो एक काम कार्यक्रम करा रही हैं, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उड़ान एक NGO है जो कि देश की साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देती है, और आज उनका नए संवत पर यह कार्यक्रम है आरंभ, जिसका मैं संचालन कर रही हूँ। और देश के महान दिग्गज कवि, गायक और छोटे छोटे बच्चे जो अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन करेंगे, वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और एक नए वर्ष का हम पुनः रूप से स्वागत करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें अपनी पीढ़ियों को आगे, अपनी पीढ़ियों को बढ़ावा देना है, उनको समझाना है, और उनका भी योगदान हम चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैम मुझसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। मैं अनिल अरोड़ा, को एडिटर डायरेक्टर चेतन एडवर्टाइजिंग से। आज मैं आया हूँ क्राउन प्लाजा रोहिणी होटल में। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, आरंभ नव सदन या कवि सम्मेलन भी है, और बहुत अच्छी अच्छी जानी मानी हस्ती आई हुई हैं। और ब्रजेश भंडारी जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, काफ़ी अच्छे मशीनरी से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इनसे मिलके। मेरी आवाज को भी बीट कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें क्या प्रदीप भाई, ट्राई करें क्या? जय श्री राम। हाँ, ये मेरी आवाज। जय श्री राम। अगले 13 मिनट कानूनी लोगों को मिलता था जिन्हें फारसी आती, नतीजन हिंदी दूषित होने लगी। उसमें फारसी, उर्दू, अरबी के शब्द शासक मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कई ऐसे दिग्गजों के साहित्य से ये कुछ बच्चे हैं जो आज परफॉर्म करने वाले हैं, और जिन्हें हम अभी देखेंगे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए। तो अब हमारे साथ हैं नंदिनी जी, जो कि अभी हमें बताएंगी, कुछ बच्चे जो हैं पीछे अभी तैयार हो रहे थे, वो कुछ परफॉर्मेंस करने वाले हैं, उस परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगी, और ये कार्यक्रम क्या है आज उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा हूँ, ब्रह्मस्वरूप कला निकेतन, जो कि मेरी अकेडमी है। और आज यहाँ बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उड़ान के मंच पे आरंभ कार्यक्रम में हम लोगों को विनय सिंह जी ने मौका प्रदान किया है ये यहाँ परफॉर्म करने का। मेरे 6 स्टूडेंट्स आज परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि कथक करेंगे, और कथक हमारा शास्त्रीय कथक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, जो कि उत्तर भारत का है। और आज की मेरी प्रस्तुति की शुरुआत होगी एक कृष्ण भजन से, और अंत करेंगे हम लोग एक मीराबाई रचित होली से। आप लोग इतनी मेहनत करके आज हो गया, 100% लोग जानते होंगे यहाँ पर प्रदीप भाई को। प्रदीप भाई मेट्रो एड्स करके प्रिंटिंग एंड पैकिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, और किसी भी इंसान को ब्रांड कैसे बनना है ये बताते हैं। आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता है।
यो हो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति शांति वनस्पत शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म भारत माता की जय। ये हुई ना बात। माँ बीना पानी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी प्रभुत जनों को, श्रेष्ठ जनों को, साहित्य के साधकों को नमन करती हूँ। किसी भी राष्ट्र की अगर हम प्रगति का कोई मापदंड देखें तो वो उसकी साहित्य, संस्कृति, उसकी सभ्यता। और उड़ान निरंतर प्रयास करता है कि वो अपने अभ्यास करता है कि वो अपनी इस अमूल्य धरोहर को न केवल अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए बल्कि जागृत भी करे। पेशकश के लिए सिर्फ दो ही शब्द, निर्मल आनंद। और अगर आप उस बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियों से एक बार और हमारा स्वागत कीजिए। गजब की बात है कि रोहिणी ने आज इस क्राउन प्लाजा होटल में बैठ के ब्रिज की होली खेली और नन्ही गोपियां जो ब्रिज की हमें याद दिलाती हैं और जीवन के कितने रंगों से हमें अनुभव कराया है। और आपके गुरु को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि इतनी इतनी कम उम्र में जब ये बच्चे इस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं तो गजब की बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नमन जो है इतनी दूर से नहीं किया जाता, आप प्लीज ऊपर आ जाइए, क्योंकि गुरु माता नंदिनी शर्मा जो खुद बिरजू महाराज की शिष्या रह चुकी है, मैं मन से बुलाना चाहूंगा और इन सभी बच्चों का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राघव जैन जी का। इस मंच से नमन करता हूं। आज हम सभी का विशेष पर्व है कि हम ये नव वर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आपके टेबलों पे कुछ चीज रखी हुई है, उसका आपको यूज करना है। क्या यूज करना है वो आप खुद डिसाइड करिएगा। हमारे बीच में है राघव दादीज भाई। हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ये
बड़ा पावन अवसर है कि हम आंग्ल नव वर्ष को छोड़कर आज हिंदू नव वर्ष मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जहाँ देखो हर ओर भगवान ध्वज नजर आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ये 10 साल पहले किसी को ध्यान नहीं होता था कि वो पंक्तियां मैं मंगल गीत की गाकर अपना गायन आरंभ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक सनातन धर्म में एक परंपरा है, जब भी हम किसी मंगल शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं और हम तो दर्शन को सारे होंगे, सिया राम के नारे होंगे, दर्शन को सारे होंगे, दर्शन को सारे होंगे, सोच नजारा क्या होगा, क्योंकि मंदिर तो अब बनने लगा है। लेकिन मैं उस भगवान ध्वज की बात कर रहा हूँ जो हमारे सत्य सनातन धर्म का भगवान ध्वज है। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। और जितने भी भगवान ध्वज एक बार ऊपर लहराते हुए भारत में सारे भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, हम जाति भूल कर अपनी बस हिंदू कहलाएंगे, हम जाति भूल कर अपनी बस हिंदू कहलाएंगे, हर हिंदू के घर की छत पर भगवान लहराएंगे, हर हिंदू के घर की छत पर भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे।
राघव भाई कोटि कोटि नमन आपको, कोटि कोटि नमन। अंकित गिरीश जी,